अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़माने में रखे। बारे में वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक PSC JSC जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू पे होम डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी एजुकेशन ने यहाँ पर मदद तलब की गई है, यानी डोमिसाइल के हवाले से यहाँ पर मीटिंग हुई है और डोमिसाइल के हवाले से होम डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो NIC वगैरह डोमिसाइल्स हैं उनके हवाले से आपने जो है वो तमाम अपने डिप्टी कमिश्नर, अपने असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह को हिदायत जारी करें ताकि जो है वो डोमिसाइल्स और NIC का मसला जो है वो हल हो सके। अगर कोई वैलिड है तो उनको आर्गुमेंट, उनको जो है वो ऑर्डर वगैरह, अपॉइंटमेंट और ऑफर लेटर का सिलसिला जारी रखा जाए, और जो जिनके मसले हैं, जिनके यहाँ पे हमने आपको लिस्ट जो है वो शेयर की है उस हवाले से, उनके अंदर आप मज़ीद बताएं कि ये जो है वो डोमिसाइल्स वगैरह जाली हैं या नहीं हैं, बोगस हैं या रोंगली हैं। यहाँ पर तमाम तर चीज़ें इनको कहा गया है, मीटिंग की गई है होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जानिब से और सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से। यहाँ पर कहा गया है कि आपने ये इसको प्रोसेस को करना है और होम डिपार्टमेंट की जानिब से आपके डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह को यहाँ पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जिनके डोमिसाइल, जिनके NIC, जिनके भी आपके जो है वो PRCs के अंदर इश्यूज़ हैं, उनका जो प्रोसेस है वो आपका फ्रीज़ रहेगा। यानी जिसका भी डोमिसाइल वगैरह, जो भी NIC वगैरह के अंदर इशू आ रहा है तो उनको उसका प्रोसेस वहीं पे ही रुक जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट है तो वहीं पर रुक जाएगी, ऑफ़र लेटर है तो वहीं पर रुक जाएगा, और उनकी स्क्रूटनी वगैरह जो भी है तो उसका वहीं पर ही सिलसिला रुक जाएगा। जिनके डोमिसाइल CNIC और PRC के अंदर इशूज़ हैं तो उनके हवाले से यहाँ पर बताया गया है। मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं आपके पास और आपको तमाम तरह जॉब्स की अपडेट्स वगैरह, PSC JSTs और तमाम तरह जॉब्स की अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करना होगा ताकि आपको रोज़ाना आपकी जॉब्स की अथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।